देश की राजधानी दिल्ली में उत्तरी क्षेत्र में स्थित छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के बीच हुई कथित लड़ाई में एक शख्स की मौत हो गई, जिसमें ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का नाम भी अब सामने आया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर। हम आपको बता दें कि एक पहलवान के खात्मे के इस मामले में सुशील कुमार का नाम अब सामने आया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर रेड मारी। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के दो गुटों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें 23 साल के एक पहलवान की जिंदगी खत्म हो गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले पर अतिरिक्त डीसीपी यानी कि उत्तर पश्चिम दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर गुरेकबाल सिंह सिद्धू ने कहा कि हम सुशील की भूमिका की जांच कर रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। हमने अपनी टीम उसके घर भेजी, लेकिन वो गायब थे। हम उनकी तलाश कर रहे हैं। आरोपी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। मामले में फिलहाल FIR एक PCR कॉल के आधार पर सहायक उप निरीक्षक द्वारा दर्ज की गई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि सुशील पहलवान और उनके सहयोगियों ने ये जघन्य अपराध किया। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि उन्हें मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे के आसपास छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के बीच झगड़े की सूचना मिली थी। उन्होंने ये भी बताया कि झगड़े में चोटिल पहलवान को BJRM अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उसे ट्रॉमा ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित किया गया। पुलिस ने कहा कि मृतक की पहचान सागर नामक व्यक्ति के तौर पर हुई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पहलवानों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें कुछ चोटिल हैं और एक की जिंदगी खत्म हुई। इस लड़ाई के कारण का फिलहाल पता नहीं चला है और मामले की जांच की जा रही है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।